हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा जा रहा है आपका आज का दिन? बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आप में से काफी टाइम पहले मुझे किसी ने बोला था कि घर में जो स्पेस होता है ना वो कम पड़ जाता है, तो कुछ हिडन स्पेसेस बताइए जहां पर हम झाड़ू रख सके या फिर जो ऐसा सामान हो जो हम नहीं चाहते कि विजिबल हो, तो कुछ ऐसे एरियाज बताइए जहां पर हम इन चीजों को छुपा सकते हैं। तो हर घर में कोई ना कोई हिडन स्पेस होता है, मेरे घर में भी है, आपके घर में भी होगा। तो वो स्पेसेस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पर आप क्या रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्पेस होता है कि अगर आपके पास कबर्ड्स हैं तो कबर्ड्स के साइड पे कुछ ना कुछ जगह बची होती है, तो वहां पर आप इस झाड़ू को या फिर जैसे मैंने ट्राइपॉड रखा हुआ है, आप कोई और ऐसी आइटम रख सकते हैं, या साइड टेबल आपके पास है तो साइड टेबल को आप रख सकते हैं। साइड टेबल नहीं, सॉरी, कंप्यूटर टेबल, जो बेड लैपटॉप टेबल होता है ना उसको साइड पर रख सकते हैं। और आप चाहे तो योगा मैट वगैरह यहाँ पर साइड पर रख सकते हैं। जब कोई एंटर करता है ना तो वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता और दिखने में बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैं अपने घर में ये स्पेस को यूटिलाइज करती हूँ। इसके अलावा जो है नेक्स्ट स्पेस है, आप रख सकते हैं सामान दरवाजे के पीछे। दरवाजे के पीछे भी काफी स्पेस होता है जहां पर आप झाड़ू रख सकते हैं या फिर मैट, जो योगा मैट होता है वो रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी आइटम्स जैसे कि हम कई बार किल ठोक के इसके ऊपर कपड़े टांग लेते हैं और दरवाजा ओपन कर देते हैं, तो वो चीज विजिबल नहीं होती, तो वहां पर आप छुपा सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है आप बेड के नीचे काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बॉक्सेस बनाकर, काफी जो सामान आपका नहीं लगता है। आप अगर आपके बेड के नीचे स्पेस है ना तो वहां पर आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये तो बहुत टाइम से हमारे मतलब मम्मी और भी दादी और भी किया करते थे, बेड के नीचे सामान डाल देना। तो आप बॉक्सेस बनाकर जो है, आजकल तो काफी सारे स्टोरेज बॉक्सेस भी आते हैं, तो उसमें डालकर आप रख सकते हैं। वो भी काफी अच्छा स्पेस होता है यूटिलाइज करने का। सोफा के नीचे भी आप काफी सारा, अगर आपको थोड़ा बहुत स्पेस है और छोटी मोटी आइटम्स है जो आप रख सकते हैं तो उसे भी रख सकते हैं। कंप्यूटर टेबल के साइड में भी आप रख सकते हैं, जैसे मैंने अपने कंप्यूटर टेबल के साइड के ऊपर रखा हुआ है साइकिल को पंप करने, मतलब साइकिल के टायर को हवा देने वाला ये पंप, या फिर दो योगा मैट मैंने रखा हुआ है अपने हस्बैंड का, तो वो चीजें आप वहां पर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप दरवाजों को भी यूज कर सकते हैं हिडन स्पेस की तरह, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आप दरवाजा, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर दरवाजे के अंदर इस तरीके के किल वगैरह नहीं ठोककर इस तरीके के एक्स्ट्रा वो आते हुप्स आते हैं, तो उसको जिस दरवाजे के ऊपर आपको टांगना होता है और उसके ऊपर आप अपनी ज्वेलरी स्कार्फ्स वगैरह लगा सकते हैं। इस तरीके से आप कबर्ड को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने जो है अपनी कबर्ड के अंदर एक हुक लगवाया हुआ है जहां पर मैं अपने बैग्स वगैरह टांगती हूँ, तो इस तरीके से आप वहां के स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हिडन स्पेस जो है, आप बेड साइड के ऊपर, अगर आपका बेड दीवार की तरफ है या आगे खिड़की की तरफ है तो साइड पे काफी स्पेस होता है, तो वहां पे भी आप काफी सामान रख सकते हैं जो कि नजर नहीं आता। मैंने इस तरीके से अपने साइड टेबल रखी हुई है जो कि मेरे बेड के बिल्कुल साइड पे है, जो बेड के बिल्कुल लेवल पे है, तो वहां पे मैं, उसके नीचे काफी स्पेस होता है तो वहां पे मैंने काफी सारा सामान डंप किया हुआ है। अब दो कमरों में मैं इतना सारा सामान नहीं रख सकती, हमारा सामान बहुत ज्यादा होता है, तो आप इस तरीके से स्पेस को यूटिलाइज कर सकती हैं। तो इनके अलावा अगर आपका घर बन रहा है या आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ परचेज करना चाहते हैं तो इस तरीके के कॉफी टेबल्स भी आप ले सकती हैं, जिसके अंदर आप स्टोरेज भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड ये कॉफी टेबल्स भी हैं। काफी मल्टीपर्पज रहते हैं, इस तरीके से काफी सेटिस के साथ भी आते हैं और काफी सिटिंग सोफा, जो मिनी सोफाज आते हैं चेयर्स के साथ भी अवेलेबल होते हैं, ये भी काफी ज्यादा इन है आजकल ट्रेंड में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बुक शेल्फ का भी काम कर रहा है, प्लांट भी रख सकते हैं और ऊपर एज ए कॉफी टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके की सेटी या सोफा भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इन है आजकल। लोग जो छोटे फ्लैट्स वाले होते हैं वो इस तरीके की सेटेज बनवाते हैं जिसमें वो स्टोरेज भी कर सकते हैं और ऊपर बैठ भी सकते हैं, तो काफी ज्यादा सामान इसमें डंप हो जाता है और काफी सारा सामान आपका स्पेस भी बच जाता है और ये हिडन भी रहती है, लोगों को मालूम नहीं चलता कि इसके अंदर स्टोरेज है। तो ये भी बेस्ट तरीका है इस तरीके के, अगर आप नया घर बना रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं या आप सोफाज वगैरह खरीद रहे हैं तो इस तरीके की सेटेज में इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है अगर आप रेंट पे भी रहते हैं। अगर आप सेटीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इस तरीके के स्टोरेज बॉक्सेस भी आ रहे हैं मार्केट में,
ये सिटिंग स्टोरेज बॉक्सेस है जिसमें बॉक्सेस भी बन जाते हैं और आप इसके ऊपर आराम से बैठ भी सकते हैं। तो अगर आप रेंटेड फ्लैट पे रह रहे हैं तो इस तरीके के स्टोरेज बॉक्सेस में इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस का बचत होगा और काफ़ी ज़्यादा सामान आपका डंप हो जाएगा। बाकी अगर आप बेड खरीद रहे हैं तो बेड हमेशा आप, मैं बोलूँगी कि आप हमेशा बॉक्सेस वाले बेड खरीदें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप इसमें सामान रख सकते हैं और आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच सकता है। तो इस तरीके के आप चाहें तो सिंगल वाले भी ले सकते हैं, डबल वाले भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जो आपकी पसंद हो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी ड्रॉर्स ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन रहता है हिडन स्पेसेस के लिए। यहाँ पे आप कैसे भी बिना अनऑर्गेनाइज तरीके से भी रखेंगे ना तो भी घर साफ दिखता है। तो इस तरीके की अगर आपके पास ड्रॉर अलमीरास वगैरह नहीं है और आप कोई हिडन स्पेस ढूंढ रहे हैं तो इस तरीके के ड्रॉर्स में इन्वेस्ट कीजिए, कर सकती हैं। तो ये थे मेरे कुछ आइडियाज जहां पर मैं अपने सामान को डंप करके रखती हूँ। मे बी आपके कुछ अलग होंगे, अगर कुछ अलग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा जानकर और मेरे लिए थोड़ा सा फायदा हो जाएगा और हमारे कुछ जो लोग कमेंट पढ़ना पसंद करते हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि एक्स्ट्रा हो जाएगा ना एफर्ट, कि कुछ एफर्ट मैंने डाला कुछ आपने डाला तो एक्स्ट्रा एफर्ट करके हमारे पॉइंट्स 5 से या 10 से ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरे लिए भी वो फायदा है और आप लोगों के लिए भी फायदा है। तो अगर ज्यादा पॉइंट्स, मतलब इससे ज्यादा पॉइंट्स हुए तो एक अलग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।